हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की पूरी। आलू की पूरी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिनको छील लिया है, उसके बाद कद्दूकस कर लिया है, कस लिया है। 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच हरा धनिया, 1/4 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा मैंने कूट लिया था, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम आलूओं में आटा डालेंगे, तेल, सभी चीजों को डाल देंगे, धनिया, सभी मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंद करके तैयार करेंगे। आटे को हम 10 मिनट ढक के रखेंगे। आटा सेट हो गया है, इसको मसल कर थोड़ा चिकना करेंगे, इसमें से 1 पार्ट ले लेंगे। पीसेस में काट लेंगे जितनी बड़ी हमें पूरी बनानी है। हाथों पे थोड़ा थोड़ा तेल या घी लगा लेंगे, क्योंकि इसमें आलू डले हुए हैं तो ये पूरी चिपकती है। बेल लेंगे। और ये कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे हम डाल देते हैं। इतने बनती है ये, दूसरी बना लेते हैं। इस पूरी को बनने देते हैं, दूसरी पूरी बना लेते हैं। इस पूरी का भी ध्यान रखेंगे, गैस हमने मीडियम रखा है, दूसरी पूरी को भी डाल देते हैं। सभी पूरी को इसी तरह से बना बना कर लेंगे। सभी पूरियों को इसी तरह से बना लेंगे। इन्हें आप बच्चों के टिफिन में या कहीं सफर में जा रहे हो आराम से ले जा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं ये पूरी। आप इन्हें बनाइए और अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ खाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।